अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि आप लोगों ने पहली वीडियो में देखा था, मैंने आप लोगों को फार्म दिखाया था, ठीक है। तो ये उसका पार्ट हुआ। अब दूसरा हिस्सा दिखाऊंगा और फ्रंट से बाहर से आपको दिखाऊंगा, मेन गेट के बाहर जो है, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को मैं ये दिखाता हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये सारे जो है ना, ये देखें, ये रोड है, ये देखें, ये मेन रोड है लाहौर से कराची जाने के लिए। ये मेन सड़क है जो यहाँ से होकर गुज़रती है। चीचा वतनी आप आएंगे तो इस डेरे पे ज़रूर आइएगा, ठीक है ना। ये देखिए, ये नहर के साथ, जिसे रजवाया भी कहा जाता है, उसके साथ ये छोटी सी सड़क है। सोलंग पड़ा हुआ है इस सड़क के ऊपर। तो ये है वो जो आप लोगों को मैंने फार्म या डेरा, कुछ लोग डेरा भी कहते हैं, वो दिखाया था। उसके बाहर का ये सीन है, ठीक है ना। तो अगर आप लोग यहाँ वहाँ से पिक्चर बनाएं तो बहुत ही खूबसूरत पिक्चर आएगी, ठीक है। ग्रीन 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 ही सारा कुछ है, ग्रीन हरियाली ही हरियाली है हर तरफ। ये देखें, ये देखें, बहुत बहुत खूबसूरत है ना, पौधे लगाए हुए हैं इन्होंने। ये देखें, ये कितना बड़ा पत्ते हैं इसके, जैसे खजूर नहीं होती, खजूर आपको मैंने पहली वीडियो में दिखाई थी, वैसे के पत्ते हैं। पाम का पौधा इसको बोलते हैं। तो एक तो होता है ना कंगी पाम, ये कंगी पाम नहीं है, ये दूसरा पाम का पौधा है। बड़े पत्ते ही होते हैं इसके, अगर ज़मीन में लगाया जाए तो काफ़ी बड़ा हो जाता है और पत्ते भी बहुत बड़े होते हैं। अगर आप लोग इस जगह पे खड़े होकर, यहाँ पे खड़े होकर पिक्चर खिंचवाएँ तो सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, इतनी प्यारी पिक्चर आएगी ना, क्या बात छोड़ी थी। तो ये देखिए, यहाँ से भी है ना बहुत अच्छी व्यू आएगा। ये भी सड़क जाती है सीधी मेन, फिर गांव की तरफ चली जाती है 113-12 माइल की तरफ, यहाँ से 1 किलोमीटर के फासले पर है। तो ये है मेन गेट, ठीक है ना। आप लोगों ने कई स्कूलों में देखा होगा ये वाले जो पौधे होते हैं, ये छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, लेकिन ये देखें कितना बड़ा हो गया है पौधा, ये वाला, ठीक है ना। ये मैं आप लोगों को नज़दीक से दिखा देता हूँ। ये देखें, ये ऐसी छोटे छोटे है ना कांटे, हम छोटे होते बोलते थे वो लगे हुए हैं, ये बेल है। तो चले हम अंदर जाते हैं। आप ये देखें, हर तरफ पौधे ही पौधे हैं। ये देखें, मैंने जैसा कि आपको पहली वीडियो में बताया था कि ऐसा लगता है कि नर्सरी में पूरी उठा के इधर ले हैं, बड़ी सी नर्सरी में हम पहुंच गए हैं। इन लोगों को पौधों का शौक़ नहीं है। ये देखें कितने ज़्यादा पौधे हैं, ये आम लगा हुआ है, बहुत बड़ा आम है ये, ठीक है। तो हम लोग भी यहाँ से लेके जाते रहे हैं आम, मैं और अबू ही आते रहे हैं। तो ये मैं आप लोगों को आगे लेकर चलता हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल पर नहीं हैं, पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली स्टोरीज़ और वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँच सके, शुक्रिया। तो ये देखें, ये देखें, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, बड़ा फिर छोटा, ऐसे है ना इन्होंने सजावट करके रखे हुए। ये है वही न्याजबो या रेहान जो मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में दिखाई थी, ये भी लगी हुई है सारी हरियाली, चेक करें सुभान अल्लाह। तो ये देखें, ये कलियों का पौधा है, ये भी लगी हुई है वही। ये आप वीडियो चेक करें, व्यू यहाँ पे भी बहुत अच्छा है। ये रास्ता जा रहा है जो पहली वीडियो मैंने बनाई थी ना, तालाब और पौधे वगैरह जानवरों की तरफ, ये रास्ता है, ये रास्ता जाता है। तो ये देखे पौधे, ये भी न्याजबो है लगी हुई। अच्छा, तो मैंने आप लोगों से बात की थी कि एक कमरा है मिट्टी का बना हुआ है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो है ये वाला। अगर यहाँ से सामने से पौधे हटा दिए जाएँ तो यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आएगा। DSLR बड़ा कैमरा हो, मैं तो खैर मोबाइल के कैमरे से बना रहा हूँ, तो बड़ा कैमरा हो तो बहुत अच्छा व्यू यहाँ पे आता है। और ये दरख्त है वो शाम जैसे, जो पंसारियों की दुकान पे भी आप लोगों ने देखे होंगे, तो वो इस पौधे पे लगते हैं, लगे भी हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देख, ये देख, मैं छोटा होता है इनसे डरता था, समझता था सांप लगे हुए हैं। तो ये देखें, ये भी न्याज वो लगी हुई है। उसके अलावा जो आपको मैंने उधर दिखाए थे छोटे कांटों वाले पौधे, वो ये कितना बड़ा हो गया, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। ये छोटे से ड्रम में इन्होंने ये अमरूद का पौधा लगाया हुआ है और अमरूद लगे भी हुए हैं इसके साथ, ये देखें।
ये देखिए सुभान अल्लाह। और अब आप लोगों को मैं उस तरफ लिए चलता हूँ, ठीक है ना। ये भी एलोवेरा लगी हुई है साथ साथ, ठीक है ना। ये देखें, ये वैसे ही दरख्त लगाया हुआ है इन्होंने, वो टहनी टूट गई। शुक्र है अल्लाह का हम टाइम से बाहर आ गए। तो बाकी साइड पे कोई आता नहीं, हाँ इनको पानी वगैरह दिया जाता है, लेकिन इस कमरे की तरफ कोई नहीं आता। काफ़ी बुरी हालत नहीं है, लेकिन जाले वगैरह काफ़ी लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, ये देखें, क्योंकि उधर ज़्यादा जाते हैं। तो मैं आप लोगों को इसके अंदर का विज़िट भी करवा देता हूँ, ठीक है ना। ये भूंड है, ये देखें, ये है जी सामने फुहारा लगा हुआ है। जब मैं छोटा था तब ये चलता था, लेकिन अब टूटा हुआ है, तो मरम्मत कह रहे हैं कि मरम्मत करवाएंगे इसकी। जब मरम्मत हो जाएगी तो ये बहुत प्यारा सीन बनेगा यहाँ पे। यहाँ पे भी आप लोग आकर पिक्चर्स खींच सकते हैं, और बहुत अच्छी पिक्चर्स आएंगी यहाँ पे भी। तो ये देखें दरख्त कितना बड़ा है, ये है पता नहीं किस चीज़ का, खैर वो शायद की मक्खियों का छत्ता भी नज़र आ गया है हमें, तो वो वाला व्यू भी दिखाता हूँ आपको। खैर मक्खियाँ नहीं हैं उसके ऊपर, ये देखें नज़र आया आपको भी। तो ये होता है कंगी पान, नहीं ये खजूर है, ये हो गया खजूर का दरख्त, अभी छोटा है, ठीक है ना। तो ये फुहारे के साइड साइड पे हैं पौधे। अच्छा तो मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ पौधे दिखाता हूँ दरख्त। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इतनी अच्छी हैं कि आप बिल्कुल प्लेन है, अल्लाह ताला की कुदरत है, सुभान अल्लाह। तो ये है जामुन का पौधा, ठीक है ना, ये वाला, ये देखें जामुन का है, ये आर्टिफिशियल है, माल्टों का नहीं है, खैर आर्टिफिशियल है, मतलब इसको कुछ भी नहीं लगता। तो बाकी कांटे ख्याल लग रहे हैं, मेरी कमीज़ भी पीछे अटक गई थी कांटों में। और ये वाले पौधे, ये प्लेन है बिल्कुल, आप लोगों ने इनके पत्तों से कई काम कर सकते हैं। मैंने गवर्नमेंट स्कूल में देखा हुआ है कि इनके पत्तों से जो होते हैं ना मुलाजिम, वो झाड़ू देते हैं गांव में, है ना, जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे झाड़ू दिए जाते हैं, कई स्कूलों में दिए जाते हैं, खैर आप नहीं। ये देखें बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल प्लेन, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जो है ऐसा लग रहा होगा आपको जैसे सीमेंट के साथ बनाया हो, लेकिन नहीं सीमेंट नहीं है, कुदरती तौर पर इसकी यही कलर है, यही इसका सारा कुछ है, अल्लाह ताला की कुदरत है। और ये डिज़ाइन भी बना हुआ है इसके अंदर, ये देखें ये डिज़ाइन भी बना हुआ है। तो पहले जब मैं आया था तो यहाँ पे टूवेल चल रहा था, वो टूवेल है, मैं आपको उसका भी विज़िट करवाता हूँ। ये इधर जगह जो है ना बहुत कम है, लेकिन ख़ूबसूरत जगह है ये भी, ठीक है। चलें अब आपको मैं टूवेल का विज़िट करवा देता हूँ। ये पाइप है जिसके ज़रिए इनको पानी दिया जाता है, ठीक है ना, पौधों को ये लगा हुआ है वो पाइप। और इधर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, अब ये आगे हैं जी हम ट्यूबवेल पे। ये आम के दरख्त इधर भी लगे हुए हैं दो दरख्त, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये ट्यूबवेल है। इसका पानी जो है वो जाता है उधर फसलों को दिया जाता है। ये पानी आज भी साफ़ है, आज चलाया था इन्होंने बोला है, चलाया था आज ट्यूबवेल, तो थोड़ी देर के लिए चलाया था। खैर ये कुआं है, ये देखे काफ़ी लंबा है, अगर मोबाइल गिर गया तो मैं मोबाइल लेने कैसे जाऊंगा, मुझे समझ नहीं आती। ये देखें ये गमले हैं, बहुत बड़े बड़े गमले हैं। खैर ये तो आप एक दफ़ा विज़िट ज़रूर कीजिएगा, आपको पसंद आएगी ये जगह। ये बीज है, जब बीज इसमें लगाए जाते हैं तो ये पौधे छोटे छोटे हो जाते हैं, छोटे छोटे ना उधर आते हैं, ठीक है। तो फिर ये कुत्ते भौंक रहे हैं, पहले भी आया था भौंक रहे थे, खड़ा हो गया है, तेरी ऐसी कित ऐसी। ये देखें इसके अंदर कुत्ते हैं, छोटे छोटे ही, बिल्कुल छोटे छोटे, लेकिन भाई वफादार जानवर इंसान से ज़्यादा वफादार होते हैं, ठीक है। ये जब छोटे छोटे हो जाते हैं ना, बीज पत्ते निकालने शुरू कर देता है, तो फिर इसको ज़मीन में लगाया जाता है। ये है वो दरख्त जो हमने बाहर देखा था बड़ा सा, तो ये माशाल्लाह बहुत बड़ा है, बहुत पुराना दरख्त है ये। खैर तो ये जो ख़राब गमले होते हैं वो इधर फेंक दिए जाते हैं, ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं इधर फेंक दिए जाते हैं। तो इस डेरे का नाम है मियाँ अता मोहम्मद का डेरा। कौन सा? मियाँ अता मोहम्मद का डेरा, ये आप लोग देख सकते हैं। इधर भी
सारा सीन है। यहाँ पे कबूतर भी हैं, मोर भी हैं, ये गमले सारा कुछ आपको मैंने दिखा दिया है। और काइंडली इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए ऐसी, अगर आपकी सपोर्ट अच्छी रही तो मैं आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियोस लेके आऊँगा, स्टोरीज लेके आऊँगा। तो आप इस वीडियो को अगर अच्छी लगी होगी ये वीडियो, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, करें लाइक करें। मेरा गला बैठ गया है, जो मैं ज़रा गला ठीक नहीं था तो इसी वजह से है ना खांसी भी आ गई है। चलें, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। तो काइंडली अगर आप लोग मेरे चैनल पे नहीं हुए, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को, यार कुछ लोग होते हैं कि वो सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन बेल आइकन नहीं दबाते, और फिर कहते हैं यार हमारे पास न्यू वीडियो नहीं आई, ये कहते हो। तो भाई मेरे, बेल आइकन दबाना ज़रूरी होता है, ठीक है ना, वो दबाएं, उसको ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। बेल आइकन जब दबा देंगे आप, तो फिर आप लोगों को ये पौधा चेक करें, सुभान अल्लाह, कलर चेक करें आप इसका कितना खूबसूरत है। तो फिर वो क्या, अगर आप बेल आइकन को दबाएंगे तो सारी मेरी वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचेगी। और प्लीज़ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे, और थैंक यू सो मच। ये जगह मैंने आपको दिखा दी है, इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए इससे भी अच्छी अच्छी जगह लेकर आऊँगा। ओके, थैंक यू सो मच, मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।